हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने मसाले वाली दाल बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप हम बनाने की सारी रेसिपी आपको एक एक करके दिखाएंगे। हमने सारे सामग्री यहाँ पे ले लिए हैं। देखिए, हमने एक बड़े सच्ची कॉटरे में एक कॉटरे दाल ले लिए हैं और ये बाकी सारे हम आपको मसाले दिखाएंगे। देखिए, हमने चाय के चम्मच में एक चम्मच नमक ले लिया है, चाय के चम्मच में एक चम्मच जीरा पाउडर लिया है, चाय के चम्मच में एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, चाय के चम्मच में हाफ चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है और हमने गरम मसाले दो चुटकी भर ले लिए हैं। अब हम दिखाएंगे। देखिए, हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह काट लिए हैं और मीडियम साइज के टमाटर भी इस तरह काट लिए हैं। हमने यहाँ पर कड़ी पत्ते ले लिए हैं और ये कटे हुए अदरक लहसुन है, हमने इसे छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं और ये गोटा जीरा हमने चाय के चम्मच में एक चम्मच लिया और 8 से 10 हमने हरी मिर्ची इस तरह काट लिया और तेज पत्ते भी दो ले लिए हैं। अब हम बनाने की रेसिपी स्टार्ट। सबसे दोस्तों, हमने इसको बॉयल करना है, चने की दाल को हमें फुल बॉयल करना है, इसलिए हम कुकर में डाल के फुल बॉयल करेंगे इसे। फ्रेंड्स, इसे बॉयल करने के लिए हम इसमें कुछ मसाले की डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ चुटकी भर नमक डालेंगे इसमें और इसे चला हम इसे 3 से 4 इस कुकर की सीटी दिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कुकर में 5 सीटी लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसको दाल घोटे में इसकी पानी निकाल के दाल घोटे में अच्छे से पूरा मिला लेंगे ऐसे। पहले पानी, फ्रेंड्स, हम इसकी पानी इस तरह निकाल लेंगे धीरे धीरे करके, देख सकते हैं हमने इसकी पानी इस तरह निकाल लिए हैं। अब दाल घोटे में इसको पूरा इस तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इस तरह मिल रहा है। ये जो हमने पानी निकाले थे इसको थोड़े थोड़े करके डाल के इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, धीरे धीरे इसी तरह मिलाएंगे हम, देख सकते हैं। फिर इसे धीरे धीरे हम सारे पानी डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, अब हम इसे कटोरे में डाल लेंगे ऐसे। अब हम इसको तड़के लगाने की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तड़के लगाने के लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख लेंगे ऐसे। अब गैस ऑन कर लेते हैं कि फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन कर लिए हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे, जैसे हम 2 चम्मच अंदाज इसमें तेल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। देखिए, अब इसे अच्छी तरह गर्म, देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसी में ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। गरम मिला लेंगे इसे, हमें धीमी आंच में धीरे धीरे करके आराम से स्लो करके बनाना है। देखिए, हमें इसको हल्का सा लाल करना है, हल्का हल्का। तो फ्रेंड्स, ये मसालेदार बहुत ही टेस्टी होते हैं, आप प्लीज़ अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्ट आती है दाल की। इसी तरह हम इसमें कड़ी पत्ते डाल लेंगे और तेज पत्ते भी डाल लेंगे, इसी तरह निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें बाकी मसाले भी डाल लेंगे ऐसे, आराम से पकाएंगे, गैस को स्लो कर लेते हैं। तो हम 2 मिनट ढक के पकाएंगे अच्छी तरह। तो फिर देखते हैं, 2 मिनट हो चुका है, मसाले भी धीरे धीरे पक रहे हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, आपको दिखाई दे हमने मसाले, हम सारे मसाले डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको थोड़ा अच्छी तरह पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मसाले जल ना जाए इसलिए हम इसमें 1/2 कप पानी डाल लेंगे। अब इसे ढक के और 2 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह। ये फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके, आप देख लेते हैं कहाँ तक पकाया, मसाला अच्छी तरह पक रहा है। हम आँच को थोड़ा हीट कर लेंगे, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। दोस्तों, इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है, अपने घर में एक बार ये मसाले वाली दाल बनाइएगा ज़रूर। देखिए फ्रेंड, मसाला रेडी है, अब हम इसमें दाल डालेंगे। मैंने आपको दिखाई दे 1 कटोरी दाल, हमने 1 कटोरी दाल बनाने के लिए ही ये मसाले अच्छी तरह पका। फ्रेंड्स, ये फूट के आ रहा है, अब हम इसको अच्छी तरह फुटा लेंगे, पका लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मसाले वाली दाल अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये फूट चुका है, अब हम इसको 1 कटोरी में निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने कटोरे में निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डाल, इसके ऊपर हम कटे हुए धनिया पत्ता ऐसे डाल लेंगे। देखिए,
अगर आपको ये मसाले वाली दाल अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल समय इनकी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।